सारे न्यूज़ चैनल पे बोल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान सड़क पे उतरा है, आक्रोश है, आग है, आग लगा लगा के बेमतलब आप पोल्यूशन फैला रहे हैं, बस कुछ नहीं मिलने वाला ये लोगों को। मैंने जहाँ, मैं भी कल घर से बाहर गई थी, मैंने भी चीज़ें देखी, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। लोग रूटीन लाइफ चल रही है लोगों की, आराम से सब कुछ चल रहा है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि उनको दुख नहीं हुआ, और जो ये रास्ते पे शोर शराबा कर रहे हैं उनको बहुत दुख हुआ है, खाना नहीं हजम हुआ, उनको बहुत दुखी है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो दुखी है, जो जवान के शहीद होने के बाद, इनमें से कितने लोग हैं जो सड़क पे चलते हुए इंसान की मदद करते हैं? कभी मदद करने, ये वही लोग हैं जो कोई मदद करने की कोशिश करता है, एक्सीडेंट होता है तो उसको पीछे खींचते हैं और बोलते हैं अबे कहाँ फंस जाएगा तू, लड़की की मजाक उड़ा रहे हैं तो उसका खड़े रहकर मजाक देखते रहते हैं, मज़े लेते रहते हैं, तमाशा। ये वही लोग हैं जो सड़क पे उतरे हैं, आज सड़क पे उतर के बोलते हैं हमें हमें बदला चाहिए, बदला चाहिए, हमें एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें ट्रेन नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए। अरे भाई, अपने सरकार से पूछो, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछो कि आप अभी इसी वक्त आपको उस ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए जाना था, आप यहाँ पे ये बोल रहे हो, आपके माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने गए थे तो क्या उनको दुख नहीं हुआ इस बात का, ये पूछेंगे आप? आप बस शोर शराबा, मैं देख रही हूँ हर इंसान कैमरा फुटेज खाने की कोशिश कर रहा है अपना फ़ोन लेकर, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये किए जा रहा है। ये आपका वो है, ये आपका देश प्रेम है, ये आपका देश जवानों के लिए प्रेम है? आप इस तरह की हरकतें करके आप क्या बताना चाहते हो, जताना क्या चाहते हो आम पब्लिक को? आप खामखा भड़का रहे हो, अपनी अकल लगाइए। मेरी नॉर्मल जो मेरे भाई बहनों से, दोस्तों से गुजारिश है कि इस झगड़े को आप बेमतलब इतना पर्सनल मत होई है, हम सबको दुख है। अपने सरकार को बोलो कि जिन्होंने ये चीज़ की है उनका सर काट के यहाँ पर लाए, हमें वो चीज़ चाहिए, ना ही हम बेमतलब किसी की जान नहीं लेना चाहते। पैसे नहीं पड़ते इसलिए सब फ्री में अपनी चीज़ें भोगते हैं, यहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। और आप अभी आए हो, तब तक कहाँ थे, अभी उठ के आ गए हो? कोई भी कुछ अच्छी बात बोलता है तो उसके ऊपर उसकी क्लास लेना बेमतलब क्या है? क्या आप शब्दों में लिखोगे तो आप दुखी हो ये दिखेगा? आप लोग बहुत दुखी हो, आप वही लोग हो जो कल कसाब भी आपके सामने आए ना, तो आप वही लोग हो जो उसके साथ सेल्फी लोगे और वही सेल्फी DP पे भी लगाओगे। ये जो आप जिस तरीके की बकवास कर रहे हो ना, वही लोग हैं जो सड़कों पे, जिनको लोगों के लिए बहुत दुख हुआ है, ये वही लोग हैं जो अपनी मीडिया फुटेज खाने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे TV चैनल्स और TRP गेन कर रहे हैं। विसुद्धू पाजी ने कौन सी बात गलत बोली, कौन सी टेररिस्ट की साइड उसने ली जो उन्होंने गलत बोला? उन्होंने वही बोला कि आप जो चीज़ प्यार से सुलझा सकते हो ऐसे नहीं सुलझा सकते। सिद्धू पाजी, हेड्स ऑफ टू यू, मैं आपकी तारीफ करती हूँ, आप बेस्ट हो क्योंकि आपने अच्छी चीज़ बोली। देखो, अपोजिट पार्टी के लोग आप हो तो बेशक बोलो, बेशक बोलो, चलो आपका हक बनता है। हाँ, लेकिन उन्होंने कोई गलत चीज़ बोली नहीं है, उन्होंने अच्छी चीज़ बोली, ठीक है। आज हमारे देश को स्वतंत्रता ऐसे ही मिली है, जो भी हुआ है आप सबको पता है, इसीलिए इस तरह से उन्होंने 4 मारे आप 8 मारो, उन्होंने 10 मारे आप 20 मारो, आप वही कर रहे हो जो उन्होंने किया। आप भी तो किसी के घर के बीवी बच्चे माँ बाप को मारोगे, ये तो गलत नहीं है। जिन्होंने मारा है उन लोगों के सर लेके आओ, ये बोलो सरकार को, किसी बेगुनाहों को क्यों मारेंगे हम, ये हमारी इंसानियत नहीं है। आप राहुल जी का फ़ोन उन्होंने क्या देख लिया, उनको क्या जवानों के लिए प्यार नहीं है? आप अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को पूछिए कि सर आप 24 घंटे नहीं हुए नौजवान शहीद होकर आप ट्रेन का उद्घाटन करने चले गए, यहाँ लोगों ने ट्रेन बंद करवा के रखी है और आम पब्लिक उसमें सफ़र कर रहा है, पीस रहा है आम पब्लिक, आम जनता, और आप ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हो, किसी ने पूछा है इस बात को? नहीं पूछो, आई डोंट नो, दिमाग लगाओ, अपनी अकल लगाओ, शांति से काम करो, इस तरह दहशत मत फैलाओ।